आज बनाएंगे हम लोग कॉफ़ी का स्मूदी। चलिए, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पानी, 5 टेबल स्पून हम लोग चीनी लेंगे और इसको अच्छे से गला लेंगे हम लोग। इसको अच्छे से हम लोग मिला लेंगे, पूरे अच्छे से इसको पकाएंगे। जैसे अगर आप प्रोटीन चाहती हैं, जैसे जिम उम से आकर के प्रोटीन लेते हैं ना, आप इसको लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके सेहत के लिए। अब इसमें थोड़ा सा घी, 1 पिंच सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसमें 2 चम्मच हम लोग कॉफ़ी मिला देंगे। ये कॉफ़ी बना करके आप रख लीजिए, फिर आप किसी भी तरह का कॉफ़ी बनाते हैं तो उसमें ऐड कीजिएगा, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह से इसको भी हम लोग 1 मिनट इसको उबाल लेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये अब बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम लोग 4-5 डेट्स को ले लेंगे और इसमें डाल देंगे, भिगो के लेंगे, और 2 बनाना आलमंड 8 से 9, वो भी भिगोया हुआ ही है रात भर, और 1 कप दूध, और फिर 4-5 आइस क्यूब डाल देंगे इसमें, अब जितना ठंडा पीने का आपका इच्छा हो। और इसमें जो हम लोग कॉफ़ी बना के रखे थे उसको डाल देंगे, कम से कम 2 बड़े चम्मच डाल देंगे। अब इसको हम लोग डाल करके, मैंने उसमें 5-6 मिनट चला लिया है इसको। अब चलिए इसको हम लोग सर्व करेंगे। इसमें कॉफ़ी का एक अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा कॉफ़ी डाल दिया है ताकि उसका टेस्ट ज़्यादा आए। आप भी बनाइए, पीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है ये।